हम लोग यहाँ की शाही दाल खाने आए हैं, और अगर आपने बफेलो देखी है, हम आपको बफेलो यानी कि मच भी दिखा देंगे। बफेलो क्या होती है डूड? वो सामने खड़ी है, वो गांक होती है डूड। डूड वो गां नहीं है, वो मच है। साथ उसके गांक होती है डूड, उसके साथ वो दुम्बा छोटा, उसे मैं गाय के तो प्यार से। वाओ डूड, इसे काट देना। या इट्स अमेजिंग दैट 46 डिग्री है। या ये ना गर्मी बहुत। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली कोई इतना खास नहीं होने वाला। बैंक अकाउंट ओपन करवाना था, देन मैं काफ़ी टाइम से यहाँ के चक्कर लगा रहा हूँ, देन फाइनली इन्होंने मुझे 1.5-2 घंटे का टाइम दिया। अब सोच रहा हूँ कि इसमें मैं क्या करूँ। सो थोड़ा बहुत टाइम जो है बाहर शुएब के साथ, शुएब की तरफ भी जाऊँगा, देन शुएब को लेके बाहर घूमते फिरते एंड साथ साथ व्लॉग बनाते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। सो आप लोगों ने साथ ही रहना है, पूरा व्लॉग एंड तक देखना है। सो अभी मैं जा रहा हूँ शुएब की तरफ, फिर वहाँ पर जाके मिलते हैं। तो जी गाइस, ये फाइनली मैं आ चुका हूँ शुएब के पास, और ये देख रहे हैं आप किस गेटअप में माशाल्लाह ये बैठा हुआ है, बिल्कुल चिल कर रहा है। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, आप ठीक हैं? सो गाइस आज इस वीडियो पे बेसिकली शुएब से मेरी कॉल पे बात हुई, तो इसने बोला कि हम लोग जाते हैं मैकडोनल्ड जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, लेकिन ना मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगी है, मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया। सो मैकडोनल्ड खर्चा बड़ा हो जाए। नहीं, खर्चा भी हो जाना है, और वैसे भी भूख भी नहीं वहाँ जाके खत्म होनी। सो ऑनेस्टली, और एक बड़ी मज़े की एक शाही दाल है, सो वो पहले भी हम लोगों ने खाई थी, लेकिन अब वो जाके खाएंगे, उससे ये है कि पेट भी भर जाएगा और पैसे भी पूरे हो जाएंगे। पेट भी भर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वाह। सो अभी हम लोग जाते हैं, हालत खराब है, सारी बात है, गर्मी में दाए भाई घूम रहे हैं, बहुत गर्मी है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं दूर। सो तो है। क्या बात है हमारी। सो अभी हम लोग आपको वहाँ जाके मिलते हैं और खाएंगे हम, मज़ा आप लीजिएगा। सो बाय। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं इस बेसिकली गांव में, विलेज में ही है ये जो होटल है, रेस्टोरेंट है, जो भी है, और बड़ी आपको गांव की यहाँ पे लुक नज़र आएगी, मतलब लुक गांव की दिखा रहा है। शुएब आ गए, पेंडू बंदे हैं तो मैं भी भैया गांव वाले, हम भी पेंडू है गाइस, वी आर पेंडूस। सो हम लोग यहाँ की शाही दाल खाने आए हैं, और अगर आपने बफेलो देखनी है, हम आपको बफेलो यानी कि मच भी दिखा देंगे। बफेलो का बफेलो क्या होती है डूड? वो सामने खड़ी है, वो गांक होती है डूड। डूड वो गां नहीं है, वो मच है। साथ उसके गांक होती है डूड, वो उसके साथ वो दुम्बा छोटा, उसे मैं गाय कहता हूँ प्यार से। वाओ। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया, ये दुम्बे को जो है ये गां कहता है। सो काफ़ी अच्छी ये लोकेशन है और मज़े की है, यहाँ पे सुकून है, बेसिकली ज़हनी सुकून है। ऑर्डर किया है तो लड़के ने कहा कि आप जाके बैठ जाएं तो आपका ऑर्डर आ जाएगा। हाँ, अंदर सिटिंग अच्छी थी, लेकिन हमने कहा अंदर ये है ना, अंदर नहीं बैठ, अंदर रोला बहुत ज़्यादा है, लोग काफ़ी ज़्यादा है। सो व्लॉग अच्छे से शूट किया, ऐसे बंदा कहेंगे क्या ये लड़के कर रहे हैं, अच्छा सीन आ रहा है। आई रियली लाइक इट। ये दरख्त की छाँव के नीचे, ब्रेक की छाँव, ब्रेक की छाँव, और तुम्हारी यादें hashmirreaction.com। या आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। लाइट सोर्स ये है मोबाइल, उधर का कैमरा, उधर का मैं गलत कर रहा हूँ, कह रहा है मुझे नहीं समझ आ रही, ये खुद कर लो यार, मैं ये कह रहा। अच्छा 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 अच्छा, सो ये सीन है, ये चीज़। हाय 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 हाय, क्या बात। अच्छा यार, एक बंदे का ना मैसेज आया था कि आप ज्यादातर ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट पहनते हैं। डूड, ये अभी भी व्हाइट है, अभी व्हाइट और ब्लैक यार, ये फेवरेट है हमारी। हम पता क्या बात है यार, पूरा साल अगर मुझे ब्लैक पहनना पड़े ना या व्हाइट, तो हम लोग पहनेंगे, क्योंकि ये जो कलर है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, ब्लैक और वाइट। सो नहीं, एक मेरा रेड फेवरेट है, उसके बाद रेड भी है, रेड भी, और डार्क ब्लू भी, डार्क ब्लू यार, मतलब डार्क जो कलर है ना वो अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, स्पेशली पहनते हैं। हूँ सीखी पाइए जो दिल करे पहने, वैसे भी डूड हमारा, वैसे हम चाहे कमेटी डालें फिर हमारी मर्जी, नहीं वैसे हमारा काम भी ऐसे यार, रिएक्शन का काम है, तो ये कलर ज़्यादातर अच्छे लगते हैं। हम क्या करें फिर, एक गारमेंट की दुकान भी साथ डाल लें, क्योंकि हमें रोज़ वीडियो बनानी पड़ती है, हम रोज़ शर्टें चेंज करें। सो ठीक है, वीडियो से गर्ज होना चाहिए लोगों को। बाकी काफ़ी ज़्यादा सुबह से नाश्ता नहीं किया, अब वेट कर रहे हैं। 2:56 हो चुके हैं दोपहर के, या मैंने नाश्ता किया है। तारीख क्या ढूंढ आज? आज तारीख जो है वो है 6 जुलाई। 6 जुलाई है। सो 6 जुलाई के 2 बज चुके हैं, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। 2:57, 3 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। सो अब आ जाए, सो खाना खाते हैं, फिर आपसे यही यार, बाकी आप लोग कहते हो कि व्लॉगिंग का बड़े मैसेज आते हैं कि आप लोग रेगुलर व्लॉग बनाया करो, यार समझ ही नहीं आती रेगुलर व्लॉग में क्या बनाया करें, कुछ आप लोग सजेस्ट कर दिया करें वो क्या व्लॉग बनाएं। आज शुएब ने मुझे ये बात की, टाइटल ये रख दूँ, या आज समीर ने ये कर दिया,
टाइटल ये रख दो, वो तो रोज करता है। कोई समझ नहीं आती ना कि यार क्या मतलब टाइटल रखें या क्या व्लॉग करें, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसी तरह व्लॉग आते रहेंगे। एंड करना आप लोगों ने यह है कि जो भी नए देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें। यार ये किसका इतना डूड इस मेन वीडियो में इतना बोलता है 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट, डूड बस कर दे, ओके हो जाएगा। बस यार वो होता है ना, मतलब कह रहे हैं वीडियोस बना रहे हैं तो होता है कि जल्दी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हों, तो वो तो इंशाल्लाह वैसे भी हो जाएंगे, लेकिन ये आवाम भी सोई हुई है डूड, इनको जगाना पड़ता है कह के गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नहीं कुछ हमारे पक्के सब्सक्राइबर हैं उनको तो नहीं कहना पड़ता, वो वैसे ही बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो नई जनता आती है ना उनको बताना पड़ता है कि यार ये हमारा टारगेट है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करो। क्या कर रहे हो चैनल व्यू कैसे आए हैं वीडियो के लिए? इस दफ़ा वीडियोज़ के व्यूज़ कम है। ये दूसरी वाली के भी कम? दोनों के कम हैं। प्रियंका चोपड़ा वाली के? प्रियंका चोपड़ा वाली के भी कम। मुझे तो उम्मीद थी कि प्रियंका चोपड़ा के व्यूज़ अच्छे आएंगे। कितने हो गए? कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई, एक लीटर की ला दें सरप्राइज सेवन अप। लीटर की ला दें। ठंडी केड़ी जी? रेगुलर दो लिया दे, ड्यू लिया दे सेवन अप। वो ठंडी लै जाए यार, देखिए जितना अगर होगी थोड़े बच्चे जी। तो गाइस ये देखा, ये दिल गाइस वो हमारे जितना ही था। वो यूं करके देखे गए, कहना यार मेरे तो बच्चे है ही नहीं, किसी अभी दुआ देती। चलो आने वाले बच्चे जी यार, ये खाया करें, इसमें बड़ी ताकत थी। हाँ मैं कह रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा खाया करें, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो ये शाही दाल आ चुकी है और शाही बंदे बैठे हैं। ये शाही दाल आ चुकी है, उसको कोल्ड ड्रिंक के भाई को बोला, सो वो लेके आ रहा है। बाकी अभी बड़ी भूख लगी है गाइस ऑनेस्टली, ये खा ले और फिर आपके साथ मिलते हैं व्लॉग में दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा प्लीज़, आप सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है भाई। ये फाइनली खाना शाना खा लिया है और जितनी भूख लगी थी वो ख़त्म हो चुकी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र जिसने खाने के लिए हमें कुछ दिया। और बाकी शुएब भाई जिम लगा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो गया है तो माशाल्लाह इसको कुछ जल्दी रास आया है। बाकी फ़ोन यूज़ कर रहा है, ये देख रहे हैं बड़ा फ्रीली होके घूम रहा है, जिस तरह कोई अमेरिका में आ गया है। बड़ा ही रिलैक्स होके, इट्स एन अमेजिंग वेदर डूड, इसे काट देना। या इट्स अमेजिंग वेदर, 46 डिग्री सेल्सियस। या गर्मी बहुत है, अमेजिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा बैठे इधर गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि यकीन माने सोचते हैं कुछ करने का बाहर शूट करने का, सो गर्मी की वजह से वैसे ही मत बच जाती है। और ऑनेस्टली कुछ रूटीन ऐसी ही है कि पता नहीं चलता दिन कैसे गुजर गया, रात कैसे गुजर गई, सो फिर समझ ही नहीं आती। ऐसे लगता है जैसे दिन इस तरह गुजर गया और रात जो है वो नहीं गुजरी, वो गुजरी नहीं, क्योंकि रात हमारा दिन होता है डूड, और दिन हमारी रात रात होती है। लेकिन हम ये भी रात का खाना खा रहे हैं, ये भी हम रात का खाना खा रहे हैं। सो काफ़ी मक्खी, अच्छा अक्सर मक्खियाँ ना वीडियो में आती है, मतलब हम चाहते हैं मक्खी ना नजर आए लेकिन मक्खी आती है। किसी का कंट्रोल नहीं डूड। हाँ तेरी भी ठीक है कि मक्खी पर किसी का कंट्रोल नहीं डूड, मक्खी पर तो मूवी बन चुकी है, सो इसमें तो ज़्यादा इशू नहीं है। शुएब साहब कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग? डूड आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स। सो बाकी आप लोग यार कुछ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट कोई चैलेंज वीडियो बनाऊं, लाइक क्या करूं, आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। सो इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स पे ही वीडियो बनेंगी, बल्कि आप लोगों का शार्ट आउट दे के वीडियो में वीडियोस बनेंगी। सो बस आप लोग इसी तरह प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें। ये छोटा सा व्लॉग इसीलिए अपलोड किया ताकि आप लोगों को कुछ देखने के लिए मिल जाए। अब मैंने इंस्टाग्राम पे आस्क क्वेश्चन किया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब के ये क्वेश्चंस आए थे कि आप लोग व्लॉग क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते। सो वजह यही थी कि क्या थी वजह, क्या थी मैं बताता हूँ गाइस, वजह ये है कि आप लोगों का जो प्यार है वो इस कदर है कि इस कदर प्यार है, इस कदर प्यार है तुमसे। हाँ इस कदर प्यार है कि हम लोग जो वो प्यार ना हाशमी रिएक्शन भी बांट लेते हैं। व्लॉग्स का बहुत दिल करता है, यकीन माने व्लॉग्स का बहुत दिल करता है और कोशिश भी करते हैं मेरी वीडियोस में, इसकी वीडियोस में। हमने कई दफ़ा कहा है कि हमारा दिल करता है व्लॉग करने को, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की बन जाती है कि वो नहीं हो सकते, मतलब टाइम से नहीं हो पाता। सो बाकी यह है कि यार जितनी छोटी सी कोशिश करते हैं आप लोगों को खुश करने के लिए, आपका फ़र्ज़ है कि आप इसे सराहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और
अपना जो छोटा सा नेटवर्क है आपका, वहाँ शेयर कर सकते हैं हमारे लिंक्स को, ताकि ये है कि छोटी सी कम्युनिटी जो हमारी है वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में बदल जाए। सो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत सारे मस्ती के साथ, बहुत सारे फन करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो व्लॉग कल आएगा, कल आ जाएगा, ये वाला दूध व्लॉग बना देगा ना ये, हो सकता है आज ही आ जाए। सो ये व्लॉग आज ही आ जाएगा, लेकिन जो कल वाला व्लॉग होगा वो भी मज़े का होगा। सो मेन चीज़ ये है कि आपने कनेक्टेड रहना है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी तरफ से होगा जी, बाय बाय। हाँ बाकी बड़ा अच्छा बोला मैंने ना। हाँ काफ़ी अच्छा ये बोला है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैंने ये लिखा है। बाकी चलें गाइस, आपको ब्लॉग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह तला कोशिश रहेगी अब इसी तरह ब्लॉग्स और चैलेंज वगैरह आप लोग सजेस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में, सो बनाते रहेंगे आपके लिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ये मैंने क्या बोला, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, पीस आउट।